नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्वीटी पार्ट साला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, अब आप एक ही चीज सर्च करोगे यूट्यूब पे और वो है आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है कि हाँ भाई कितना मेरिट गया था, और हाँ हम इतना कर्मकांड करके आए हैं पेपर में और हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली इसी का डिस्कशन है, एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, अनऑफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिशियल के ही रेफरेंस बेस पे है, क्योंकि लास्ट ईयर सबसे पहले मेरी ही चैनल पे ये वीडियो गया था ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट का। भाई ये बहुत रेयरली ही किसी चैनल पे देखने को मिलता है। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी पूरे काउंसलिंग तक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। लाइक क्या? अपना एक्सपीरियंस, लास्ट डे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विद सीयूटी कॉमन पेपर, तो थोड़ा लोगों को आइडिया लगेगा। वैसे मैं ऑलरेडी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आइडिया मतलब लोगों से ले चुका हूँ कि भाई हाँ कैसा पेपर आ रहा था। मैक्सिमम लोगों का जो रिव्यू है कॉमन पेपर के लिए वो यही है, बड़ा आसान था। ओ भाई कितना पेपर ये लोग इजी दे दिए, मतलब पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट है या इजी है, हार्ड बहुत रेयरली ही लोगों ने बोला। तो कहीं ना कहीं बाकी जो मेरे यहाँ बैच बच्चे हैं उनसे मैंने बात करी, तो इन सब रेफरेंसेस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं बन रही है। आज का जो डिस्कशन है वो है BHU LLB 3 ईयर्स कट ऑफ डिस्कशन, यानी कि हम लोग देखेंगे कि लॉ में आपके कितने मार्क्स लाने पे, कितने क्वेश्चन सही करने पे 2024 में आपका एडमिशन BHU में होने वाला है। ठीक है, ओके। ध्यान देना है कि ये जो कॉमन पेपर है इसके बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि और किसका आपको डिस्कशन चाहिए, तो मैं ये जो लास्ट ईयर का ऑफिशियल कट ऑफ पर्टिकुलर लॉ का है यहाँ पे मैं उस कोर्स का लिख के फिर उस चीज को कन्वर्ट कर दूंगा कि हाँ इस बार की क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि ये जो अभी लिस्ट आप देख रहे हो ना ये लास्ट ईयर का ओरिजिनल ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट है। थोड़े मोटे चेंजेस हो सकते हैं लेकिन ऑफिशियल है, मैं ओरिजिनल वीडियो भी डाला हुआ हूँ, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लास्ट ईयर का। बहुत सारे लोग तो इसमें वही वीडियो मिल रहा है यूट्यूब पे, उनको सर्च करने में वही देख भी रहे हैं, लेकिन अब ये वीडियो आपको देखना है। इस चीज को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैलकुलेशन करना कैसे है। ठीक है, देखो आपका जो जो सबसे बड़ा बदलाव है इस बार वो है आपके टोटल नंबर्स में आपका जो पूर्णांक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका पेपर था वो कितने नंबर का था? 400 नंबर का था। ये 400 नंबर लास्ट ईयर का था, और ये होता था क्योंकि उस समय 100 क्वेश्चंस का, समझ रहे हो कि नहीं, ये आपका 100 क्वेश्चंस हुआ करता था, ईच क्वेश्चंस का 4 मार्क्स और हो गया आपका 400 मार्क्स। लेकिन ये इस बार चेंज है, ये जो वैल्यू है ये घट गया। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए, ईच क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो तो 4 ही है, लेकिन हमारे पास ये हो गया है अब 75 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी अब आपको 75 क्वेश्चन ही करने थे, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने की वजह से जो हमारे कट ऑफ में डिफरेंस आने वाला है वो भी देखने को मिलेगा। अब लास्ट ईयर लगभग 67.5 या आप बोल सकते हो 68%, जो लोग भी 68% ला रहे हैं उनको फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ में ही कॉलिंग चली गई, यानी वो लोग फर्स्ट राउंड मेरिट में ही आ गए और उनका एडमिशन 100% श्योर हो गया। 68% वालों का मैं कितना बताया? 68%। और इस 68% की अगर वैल्यू काउंट की जाए तो लगभग 268 नंबर। हाँ, लेकिन ये 400 में है, 400 में 268 लाने पे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज क्या है? 100% है। अब इसको हम लोग अगर 300 में, ये सबसे टॉप जनरल कैटेगरी का है, यानी इसमें कोई भी कैटेगरी, बस मार्क्स पे देखो आप लोग, अभी कैटेगरी का मैं लिख के रखा हूं उसको समझाता हूं। तो अब आपको लगभग 216 लाने पे सियोरिटी ऑफ एडमिशन मिल जा रहा है, जहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं 216 नंबर तक, मतलब 200 प्लस में भी आप इफ बट वाले में रहोगे लेकिन एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है। हाँ, लेकिन 215-16 में अगर आप प्लस हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज 99% है, समझ रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने मतलब एज इट इज लास्ट ईयर का फॉलो किया है, जबकि इस बार पेपर अगर आसान गया है तो ये एक दो नंबर घटेगा ही घटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि आप अगर इससे ज्यादा लाए हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मोहल्ले में मिठाई बंटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी खिला सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपको। अब हम लोग आ जाते हैं इस डिस्कशन पे। अब आप लोग, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, मार्क्स अपना कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है,
तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि फॉर जनरल आपके पास लगभग 53 राइट क्वेश्चंस होने चाहिए। यहाँ पे देखो मैं आपको वार्न करूंगा, राइट क्वेश्चन बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे 75 करके आ गए हो और उसमें आपके 53 सही हो रहे हैं। तो भाई ध्यान देना कि लगभग 7 इधर और 10 इधर और फिर 5 इधर, लगभग आपका माइनस चला जाएगा 8 नंबर के आसपास, मतलब 6-7 नंबर के आसपास। तो ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब आपने लगभग 56 अटेम्प्ट किया है या आपने 60 भी अटेम्प्ट किया है और आपका 55-56 अगर सही हो रहा है तब की बात कर रहा हूं, तभी आपका कैलकुलेशन सही जाएगा। कुल मिला के आप इसको कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, जो वैल्यू आती है, समझ में आया कि नहीं, वो वैल्यू आपकी आ रही है कि नहीं, इस बेसिस पे आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लेना। ओबीसी का लगभग 45 क्वेश्चन सही करने पे, ठीक है, ये करेक्ट क्वेश्चन है, जो माइनस में जा रहे हैं भाई अपना कैलकुलेट कर लेना। ईडब्ल्यूएस का लगभग 48 और एससी का आपका लगभग 40 और एसटी का लगभग 32, ये हमेशा एकदम 100% सिलेक्शन वाला रेट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, इससे अभी आने वाले 5 राउंड तक एक एक दो दो क्वेश्चन घटेगा, एक एक दो दो क्वेश्चन, क्योंकि राउंड्स में जब हम लोग मार्क्स में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में एक एक दो नंबर बताए, अगर मैं एक दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो 8 नंबर हो गया, अगर दो क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ तो 8 नंबर मैक्सिमम घटेगा, उससे ज्यादा नहीं घटता है लास्ट राउंड तक आते आते, वो भी जनरल ओबीसी में तो शायद ही घटेगा, एसटी एससी में ये चीजें डाउन हो भी सकती है, एक बार एसटी में डाउन हो सकती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी साइड में मैं हट रहा हूं, अब इस वाले का स्क्रीनशॉट लेके और आप आराम से माइंड में कैलकुलेट कर लो कि हाँ भाई लगभग मेरे चांसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये है लॉ के लिए 2024 बीएचयू लॉ के लिए, 3 ईयर्स लॉ के लिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और सुनने में आ रहा था कि ये पेपर पहले हो रहा है तो काउंसलिंग भी आप लोग का पहले ही होगा, लेकिन जब तक आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक कमेटी अभी इस पर कुछ काम नहीं करने वाली है। इसके लिए भी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगा वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने स्टेटस जरूर लगाइएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हर हर महादेव।